सिर्फ मुसलमानों को लॉलीपॉप दिया जा रहा मुलायम सिंह यादव की, उनकी अखिलेश यादव की तरफ से, और अब के उनको पता लग जाएगा, जनता बस सब समझती है। अखिलेश ने कभी भी हमारे बारे में नहीं सोचा है और हमेशा हमें वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया है, और इस बार भाजपा की सरकार 400 पार आ रही है और अनंत है। वो पता लग जाएगा मुसलमानों के साथ फोन है, मुसलमानों के खिलाफ फोन है, सब पता लग जाएगा जब चुनाव का अभी आएगा। AIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि अखिलेश यादव ने हमेशा मुसलमानों को टोपी पहनाने और या फिर सिर्फ दरिया ही बिछवाई हैं। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सहारनपुर के ढोलीखाल इलाके के लोग हैं। सबसे पहले तो यहाँ के जो रईस भाई हैं, जो कि खुद AIM से ताल्लुक़ रखते हैं, पार्षद हैं यहाँ के, उनसे बात कर लेते हैं। क्या कहना चाह रहे हैं ओवैसी साहब कि अखिलेश यादव ने हमेशा टोपी बनाई है मुसलमानों को या फिर उनसे दरिया ही बिछवाई हैं? ऐसा है भाई साहब, इसमें कोई दोराय की बात तो है नहीं, बिल्कुल सच और हक बात यही है कि हमेशा टोपी पहनाने का काम किया है। जो उनके वाली थे मुलायम सिंह यादव, उनके साथ संगठन बना हुआ था, सभी वर्ग का साथ ले कर चलते थे वो, तो इसलिए वो जुड़ाव था उनका पब्लिक में। अब उनके ही यहाँ का एक मंत्री उसी पार्टी से, आज़म खान साहब के बारे में सबको पता है, पूरे हिंदुस्तान को पता है कि क्या हालात उनके किए क्या, और कोई आवाज़ नहीं। सिर्फ मुसलमानों को लॉलीपॉप दिया जा रहा मुलायम सिंह यादव की, उनकी अखिलेश यादव की तरफ से, और कुछ नहीं है। और अब के उनको पता लग जाएगा, जनता बस सब समझती है। और हमारे तो बैलिस्टर साहब अकेले हैं पार्लियामेंट में, हमारे बैलिस्टर अकेले बोलते हैं, हम भी शहर में अकेले ही अपना पूरी तरह से सहयोग कर रहे हैं, और अपने महल्ले का क्या, महल्ले से हटके भी जो पूरे शहर का विकास होगा हम उसमें पीछे नहीं हटेंगे, विकास करने में हम किसी तरह से पीछे नहीं हटेंगे। नालिये सड़कें खड़ौंजे जो हमारी परेशानी कम से कम वो तो दूर हो। निगम में भी हम जाते हैं तो हमारा कोई ऐसा ज़्यादातर विकास नहीं, हमारा कूड़ी घर है यहाँ। 24 के चुनाव में कैसे चुनौती दे पाएंगी फिर आपकी पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर? इंशाल्लाह कुछ पार्टियों से हमारी पार्टी का गठबंधन हो सकता है, और हमारे बैलिस्टर साहब जो भी करेंगे बेहतर निर्णय लेंगे और बेहतर फैसला करेंगे। भाई हम लोग और पार्टी है, इतना बड़ा लोगों का काम करे BJP देख लीजिएगा या और पार्टी है, हमारी ही पार्टी को फिरका परस्त बताया जाता है। लोग बताते हैं BJP है, AIM से ये कहा जाता है कि AIM के बारे में कि BJP है ये, लेकिन ऐसा क्यों है? हम सच्चे मन से अपनी बात रखते हैं, ईमानदारी से, पूरी पूरी ईमानदारी से, हमारे बैलिस्टर साहब पूरी पूरी ईमानदारी से पार्लियामेंट में एक सवाल उठाते हैं, जो कि दूसरा बंदा मुझे बताए कि दूसरा बंदा ऐसा कोई है जो आवाज़ उठाता हो पार्लियामेंट में। और इंशाअल्लाह हम पूरी तरह से सक्षम है, पूरे हिंदुस्तान में पूरी जनता को लेके हमारा गठबंधन हो सकता है। अगर हमारा गठबंधन बहन मायावती के साथ हो गया तो फिर पता लगेगा लोगों को कि हिंदुस्तान में क्या होगा। दलित और पिछड़ा वर्ग और मुस्लिम, इनका अगर गठजोड़ बन गया तो इंशाल्लाह हिंदुस्तान में वो दिन दूर नहीं कि वैसी साहब भी पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री बन सकते हैं और बहन मायावती भी प्रधानमंत्री बन सकती है। वो अपना आपस का उनका समीकरण होगा कि जो भी बैठेगा, लेकिन हमारी जनता की ये सोच है। ठीक है, अच्छा आप बताइए, जो अखिलेश यादव को कहा है ओवैसी साहब ने कि ये तो खाली मुसलमानों से आते दरिया ही बिछवाई है इन्होंने, कितना सही मानते हैं? ये आप कुछ बताएं, आपकी आपकी क्या क्या बयान ठीक है उनका, क्या है ये, या कोई पॉलिटिकल बयान है? अच्छा आप क्या कहेंगे भाई साहब? मैं तो शिवसेना कहूँगा आपके, भाजपा 400 पार। अच्छा, और रही गठबंधन की बात, ये तो हमेशा से कि हमारे भाई साहब जो कह रहे थे कि भाई गठबंधन के बारे में, तो क्या है वो तो ठगबंधन, मुसलमान ठगता ही आ रहा अब तक। अखिलेश यादव पे तो आरोप लग रहे हैं लगातार कि वो सिर्फ मुसलमानों को आज तक भला ही नहीं किया, तो क्या सही है? बिल्कुल सही है बात, ये सिर्फ वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया गया। और इस बार भी देख लो क्या हो रहा, कांग्रेस मांग रही 16 सीट, वो दे रहे 11 सीट। अच्छा, अभी तक गठबंधन में आपसी तालमेल नहीं हो पा रहा, तो हम तो यही कहेंगे भाजपा 400 पार। क्या वाकई में अखिलेश यादव ने मुसलमानों के बारे में नहीं सोचा? बिल्कुल सही कहा आपने, अखिलेश ने कभी भी हमारे बारे में नहीं सोचा है और हमेशा हमें वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया है, और इस बार भाजपा की सरकार 400 पार आ रही है और अनंत है। पिछले आगामी चुनाव से आप इसका रिजल्ट का नतीजा लगा सकते हैं,
नीतीश कुमार भी वहाँ पे जो है बिहार में इन्होंने गठबंधन किया था उसे देख लीजिए। शुरुआत में उसे NDA क्या बनाया था, इन्होंने इंडिया बनाया था, INDA बनाया था। अब तो मोदी जी का नारा है भारत हमारा है, 400 पार है, कुछ नहीं है। अब तो अवैसी साहब कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं, अवैसी साहब की भी अपनी एक अलग थिंकिंग है, वो भी कहते हैं कि हमारा हिस्सा बनो, हमें हिस्सेदारी दो और हम भाजपा के साथ जाके अपना हिस्सा मांगते हैं, उसमें कोई बहकावे वाली बात नहीं रखी है। लेकिन 400 पार मोदी सरकार पॉलिटिकल स्टेटमेंट है यानी कि ओवैसी साहब का। हाँ वो अपना उनका निजी हो सकता है। अच्छा भाजपा 400 पार कहीं नहीं होनी, ये लोग ऐसे ही प्रोपेगेंडे फैला के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। ये हिंदू मुसलमान का मुल्क है, किसी के बाप का मुल्क नहीं है, ये गॉड से वादी नहीं है, हम गांधी वादी है। और इंशाल्लाह ये फिरका परस्त की राजनीति ख़त्म होगी और इंशाल्लाह फिर सुबह का सूरज निकलेगा, एक नया सवेरा हमारा इंतज़ार कर रहा है पूरे हिंदुस्तान होगा, जो हक और यकीन की बात करते हैं और हक और यकीन की बात करने वाले हमारे बैलिस्टर साहब हैं। और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है अगर अल्लाह पाक ऐसा कर दे कि मायावती और बहन जी का गठबंधन हो जाए, बीजेपी को अपना एहसास हो जाएगा कि हम कहाँ खड़े हैं। ठीक है चाचा, अब तो बता दो, अब तो बता दो। मैं तो सिर्फ TV9 भारत ही सुनता हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं। चलिए वो बात ठीक है आपकी, ये बताइए कि क्या अखिलेश यादव को जो ओवैसी साहब ने कहा है वो ठीक कहा है क्या? मुसलमानों को कुछ भला किया नहीं किया अखिलेश ने? नहीं, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। अच्छा, चुनाव को लेकर क्या कुछ रुख है आपका, किसकी सरकार बनवा रहे हो? सरकार तो मतलब बीजेपी को छोड़ के बनवा रहे हैं। अच्छा, गठबंधन की? गठबंधन की बन जाओ और अच्छी है। अच्छा, लेकिन गठबंधन में तो सीटों को लेके तो अभी भी खींचतान लगातार चल रही है? अभी तो चल रही है खींचतान, इंशाल्लाह हो जाएगी बात, सही हो जाएगी इनकी बात। अच्छा, सब बात चलिए, और लोग भी हैं यहाँ पर, उनसे यहाँ पर बातचीत करेंगे। किसकी सरकार बनवा रहे हो? अच्छा, मैं तो पता नहीं, नाम पढ़े लिखे कितने हैं। अच्छा। तो हमें कुछ मालूम नहीं, कुछ भी बताओ तो आप। क्या वाकई में अखिलेश यादव ने हमेशा मुसलमानों के बारे में कुछ सोचा नहीं है, जैसा ओवैसी ने कहा है अभी कि सिर्फ खाली टोपियाँ ही पहनवाई हैं, दरिया बिछवाई हैं, उनसे क्या कहेंगे? कोई बात नहीं है, पता लग जाएगा जब चुनाव हो गए। अच्छा जी, क्या पता लगेगा? वो पता लग जाएगा कि मुसलमानों के साथ कौन है, मुसलमानों के खिलाफ कौन है, सब पता लग जाएगा जब चुनाव का अभी आएगा। अच्छा चलिए, आगे भी लोग हैं, उनसे यहाँ पर बात करेंगे, उनका रुख जानेंगे, आखिर जो असदुद्दीन ओवैसी ने जो स्टेटमेंट दिया है आखिर उस पर उनकी क्या राय है। और लोग भी यहाँ पर, उनसे बात करेंगे। जो ओवैसी साहब हैं वो कह रहे हैं कि अखिलेश यादव ने हमेशा मुसलमानों से दरियाँ बिछवाई हैं। क्या मतलब समझेंगे? अखिलेश यादव ने हमेशा मुसलमानों से दरियाँ बिछवाई हैं, कुछ किया नहीं है उनके लिए। देखो जी, इस बारे में तो हम कह नहीं सकते कुछ भी कि क्या करा क्या नाम है किसी पार्टी के बारे में पता। हमें तो इतना पता जो भी पार्टी आवे वही जुल्म ढा रही, वही जुल्म कर रही। अच्छा, और इसके अलावा और तो कुछ हम देख नहीं रहे। अच्छा। अब ये पार्टियाँ इसने भी ऐसा कर रखा कि चारों तरफ ये हालात कर रखे हैं, बस ना रोजी है ना रोजगार है, ना खाने को ना पीने को कुछ भी नहीं है। कहाँ से आदमी खाकर कमाएगा, ना खाने के रहे ना कमाने के रहे। अखिलेश पर पहले भी आरोप लगते रहे कि वो मुसलमानों का उन्हें आज तक कोई भला नहीं किया। ऐसा कुछ नहीं है अखिलेश यादव के बारे में, ऐसा कुछ नहीं हमने सुना ना देखा। बल्कि अखिलेश यादव की तो जब सरकार रही बहुत कुछ अच्छा चला, बड़ा अच्छा चला अखिलेश यादव की, उसमें भी ऐसा कुछ नहीं है। पर अब जो चल रहा ये ठीक नहीं चल रहा बस। चलिए और लोग भी हैं, उनसे बात करेंगे यहाँ पर। आप चाचा ये बताइए कि जो ओवैसी साहब हैं वो ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव ने हमेशा इन चीज़ों में दिलचस्पी रखते हैं। अच्छा, इन चीज़ों में दिलचस्पी रखते हैं। चुनाव को लेकर है दिलचस्पी? मैं कोई दिलचस्पी। वोट डालते हो? हाँ वोट डालते हैं। किसको दोगे फिर वोट इस बार? वोट तो जिसे भी डालना होगा डाल देंगे। अच्छा, सरकार किसकी बनवाओगे? सरकार तो किसी की भी आवे, सब एक ही है हमारे लिए तो। अच्छा, भाजपा से कुछ लोग खुश नहीं है, आप तो खुश नहीं है? क्यों नहीं है? अच्छा, क्यों नहीं है? अच्छा काम हो रहा है? सारा बढ़िया काम हो रहा। अच्छा, तो सहारनपुर में काम बढ़िया हो रहा। अच्छा, तो ये गठबंधन जो बनाया इसका क्या होगा? अरे कहाँ बने गठबंधन, ये गठबंधन बनेगा क्या कहीं? अच्छा, तो यहाँ पर जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं ढोलीखाल इलाके के, वो उनकी अपनी अलग अलग राय है। साफ तौर पर कुछ लोगों ने तो ओवैसी के बयान का समर्थन किया है, साथ कहा है कि उन्होंने ठीक कहा है क्योंकि अखिलेश यादव ने कभी मुसलमानों के लिए कुछ किया नहीं। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उनके बयान से कोई इत्तेफाक नहीं रखते, साफ तौर पर कह रहे हैं कि बयान उनका है, निजी बयान हो सकता है, लेकिन सरकार जो अगर बनेगी तो वो भाजपा की बनेंगी। और गठबंधन को इन लोगों ने ठगबंधन भी बताया। TV9 UP के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।